दोस्तों मकर लगन की कुंडली में जो सूर्य ग्रह होता है वो आठवें घर का मालक बनता है आठवां घर यानी कि आठवां घर इस कुंडली में सूर्य आपका प्रबल मार्केश बनेगा क्योंकि आठवें घर से हम खराब चीज़ें देखते हैं इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया इस घर से हम आयु देखते हैं मृत्युदल कष्ट लंबी बीमारी दुर्घटना गुप्त रोग गुप्त विद्या ससुराल की स्थिति गरीबी रुकावटें ये सबका जो डिपार्टमेंट है वो सूर्य के पास होगा तो इस कुंडली में आपसे मैं पहले रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आपकी मकर लग्न की कुंडली है तो आपने कभी भी सूर्य ग्रह का जो मान के रत्न है वो धारण नहीं करना रत्न जो कि मैं सबको बार बार कहता हूँ रत्न सिर्फ़ किसी ग्रह का भी जो रत्न होता है वो एक ही काम करता है उस ग्रह की पावर जो होती है उसको बढ़ा देना ऐसा नहीं कि रत्न धारण कर लिया तो सूर्य आपका अगर ख़राब है तो रत्न धारण करने से उसका वो आपका अच्छा हो जाएगा नहीं इसने सिर्फ उस ग्रह की पावर को बढ़ाना है जैसे कि आपको बताता हूँ अगर किसी का सूर्य पहले ग्रह में बैठा है आपने बिल्कुल भी रत्न धारण नहीं करना क्योंकि पहला घर होता है शरीर जातक का शरीर होता है सेहत स्वभाव और अंग्रुप पर्सनैलिटी तो यहाँ पे बैठ के सूर्य क्या करेगा जातक को रोगी बनाएगा कोई ना कोई उसको रोग परेशान करता ही रहेगा मृत्यु मृत्युदर कष्ट देगा सेहत को खराब करेगा पत्नी घर को देखेगा पत्नी को भी रोगी बना देगा तो यहाँ पे बैठा सूर्य अगर आपका बैठा है कभी रत्न अपनी धारण नहीं करना दूसरे घर में बैठा है दूसरे घर में बैठ के दूसरा घर होता है धन का तो धन की हानि करेगा धन को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ लगी रहेंगी धन खर्च कराएगा ठीक है यहाँ पे थोड़ा बहुत गुप्त धन मिलने के योग है जहाँ विरासत में धन मिल सकता है लेकिन देखो जी सूर्य क्योंकि आठवा घर आयु का है आयु का जो डिपार्टमेंट है वो सूर्य के पास है अगर किसी का सूर्य पहले घर में बैठे आयु वैसी लंबी कर देगा दूसरे घर में बैठे दूसरे घर से अपने घर को देखेगा यहाँ पे भी, भी आयु लंबी कर देगा तो दूसरे घर में वैसे ही आपको वैसे ज्यादातर देगा नुकसान लेकिन कुछ अच्छे बल यही देगा कि आयु लंबी कर देगा लेकिन दूसरे घर में धन के घर में बैठ के धन की हानि करेगा ये दूसरा घर परिवार का है परिवार से लड़ाई झगड़े करा देगा दूसरा अगर आपकी वाणी का है वाणी को कठोर कर देगा तो यहाँ पे भी आपने रत्न धारण नहीं करना इसका आपको मैं हल बताऊंगा कि क्या करना है लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं बिल्कुल कम फीस के ऊपर तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें तो अगर किसी का तीसरे घर बैठा है तीसरे घर में भी आपने सूर्य का रत्न धारण नहीं करना वैसे यहाँ पे भी अच्छे पर ये देगा में घर से में घर के होने होने की वैसे उम्र लंबी कर देगा लेकिन तीसरा घर छोटे भाई बहनों का छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें दे। परेशानियाँ तो यहाँ पे देखो जी यहाँ पे भी आपको ख़राब फल देगा थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा लेकिन ज़्यादातर आपको खराब फल देगा चौथे घर में बैठे वैसे चौथे घर में सूर्य की उच्च राशि है चौथा घर है माता मकान वाहन भूमि जमीन ज्यादा का तो वैसे यहाँ पर माता मकान वाहन का सुख देगा जरूर लेकिन इनको लेके फिर भी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं माता का कोई रोग दे सकता है मकान वकान संबंधी कोई दिक्कतें इनका सुख मिलेगा जरूर ऐसा नहीं है मैं क्योंकि उच्च का बैठा है लेकिन मार्किश होकर उच्च का बैठा है आप ये देखो कि मार्किश होकर ये उच्च का बैठा है तो इसकी वजह इस से इस चौथे घर संबंधी दिक्कतें भी जरूर देगा चौथा घर और यहाँ पर भी आयु लंबी करेगा और यहाँ पर खराब लग आ देगा इसकी क्योंकि सातवीं दृष्टि होती है सातवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी दसम के ऊपर इस घर में है नीच राशि तो इस घर का करेगा नुकसान जो कि है कामकाज का कामकाज के रिगार्डिंग दिक्कतें पिता संबंधी दिक्कतें दिक्कते, प्रमाण प्रतिष्ठा में कमी तो कहने का मतलब अगर किसी का चौथे घर में बैठा है ये मत समझ लो कि भाई उच्च का बैठा है तो अच्छे फल दे देगा बल्ले बल्ले करा देगा नहीं खराब फल भी देगा तो यहाँ पर भी बैठे हैं आप क्योंकि इस कुंडली में आपको मैं यही बोलूँगा कि अगर आपकी मकर लग्न की कुंडली है तो लाइफ टाइम सूर्य का पाठ पूजा करें मंत्र आप करें क्योंकि इसका अच्छा बल लेना भी है अच्छा बल क्या है भाई आयु का मालक है ये नहीं कि इसकी मतलब डिग्री कम ही करनी है क्योंकि भाई आयु का मालक है आयु हमने लंबी भी करनी है तो आयु के लिए इसका पाठ पूजा भी करना लाजमी है तो चौथे घर में बैठे है आप चौथे घर में चाहे किसी भी घर में आप इसका सिर्फ़ कब्ज का पाठ करें स्रोत बढ़ें आदित्य हृदय सुध का पाठ करें पांचवें घर में बैठा है घर होता है संतान का तो यहाँ पे बैठ के क्या करेगा संतान की हानि कर सकता है गर्भपात करा सकता है अगर किसी की स्त्री की कुंडी में यहाँ पर बैठा गर्भपात के भी योग बनते हैं पढ़ाई संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं वैसे किसी को गुप्त विद्या का जानकार बना देगा पुत्र के योग वैसे बना देगा लेकिन फिर भी संतान को लेकर कोई दिक्कतें आ सकती हैं यहाँ पर भी आपने रतन दर नहीं करना छठे घर में बैठा वैसे तरीकों को स्वामी तरीकों में बैठ के कुछ अच्छे फल दे सकता है लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे भी ये मत सोच ले कि दान हो जाएगा नहीं रतन रतनदान बिल्कुल नहीं करना तो छठे घर में बैठा भी सूर्य आपको शत्रु से परेशान कर सकता है रोगी बना सकता है कर्जदार बना सकता है अगर सातवें घर में बैठा सातवां घर होता है हमारे जीवन साथी का पति पत्नी का तो क्योंकि तो आठवां घर मैंने क्या बोला था कि रोग का है रोग यहाँ से आठवें घर से हम लंबी बीमारी देखते हैं तो लंबी बीमारी उठ के चली जाएगी सातवें घर में जो कि विवाह का घर है तो आपके जीवन साथी को कोई लंबी बीमारी भी दे सकता है तो यहाँ पे भी आपने सूर्य का धारण नहीं करना चाहे अपने घर में बैठे फिर भी धारण नहीं करना अपने घर में बैठ के वैसे कुछ अच्छे फल भी दे देगा क्योंकि आयु का मालिक अपने घर में बैठे आयु लंबी कर देगा लेकिन दूसरे कुछ खराब फल भी जरूर देगा अब बात करते हैं नवम भाव में सूर्य देखो जी नवम बाब में बैठे कुछ अच्छे फल भी जरूर देगा लेकिन खराब फल भी जरूर देगा देश विदेश की यात्राएं करवाएगा धार्मिक बना देगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा भाग्य उदे संबंधी दिक्कतें भी जरूर आएंगी क्योंकि ये भाग्य का घर है और अगर किसी का सूर्य है दसम भाव बैठा है ये तो देखो जी इसकी सबसे ख़राब प्लेसमेंट है क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच का हो जाएगा मार के के और बैठे भी जाएगा नीच का तो बहुत ज़्यादा खराब फल देगा अपनी दशा दशा में दसम भाव है काम का जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें काम का जो भी करेगा कभी भी इसको बेनिफिट नहीं होगा पिता संबंधी बहुत ज़्यादा दिक्कतें सरकार की तरफ तो से कोई दंड भी मिल सकता है मृत्यु कष्ट देगा अपनी दशा में तो यहाँ पर बैठा है भाई सिर्फ लाइफ टाइम इसका पाठ पूजा करें पाठ को जो मैं फिर बोलूंगा इसका आप मंत्र कर सकते हैं कवच का पाठ कर सकते हैं स्रोत कर सकते हैं सूर्य का व्रत रख सकते हैं कथा करें आरती करें ग्यारह घर में गर्म बैठा है यहाँ पर भी आप दार ना करें थोड़े तो बहुत अच्छे फल जरूर देगा लेकिन खराब फल भी देगा अच्छे फल ये देगा क्योंकि ग्यारह घर लाभ कह आयु उठ के चलेगी लाभ के घर में आयुवलंबी कर देगा लेकिन खराब फल भी जरूर देगा क्योंकि यहाँ से संतान घर को देखेगा संतान संबंधी दिक्कतें पढ़ाई संबंधी दिक्कतें बुद्धि को भ्रमित करेगा बारह घर में, में बैठा है यहाँ पे वैसे त्रिकुआवा को स्वामी त्रिका में बैठ के कुछ अच्छे फल दे देगा लेकिन फिर भी ज़्यादातर खराब फल देगा क्योंकि बारह घर सरकार का है और बारह में से हम दंड देखते हैं तो सरकार की तरफ से कोई दंड मिल सकता है सूर्य पिता कार्य का पिता संबंधी दिक्कतें मान प्रतिष्ठा में कमी वैसे विदेश यात्रा के योग बना देगा तो आप मेरा कहने का मतलब सिर्फ मतलब, मतलब यही है कि रत्न सिर्फ ग्रह की पावर को बढ़ाता है पावर मतलब ग्रह अगर अच्छे फल दे रहा है तो इसका रतनदान करने से इसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे अगर बुरे फल दे रहा है रतनदान करने से बुरे फल बढ़ जाएंगे यानी कि बुरे फल दे रहा रहे तो रतनदान कर लिया तो अच्छे फल देने लगेगा नहीं बाकी अगर आपको कोई बात मेरी समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो उस वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज्योति सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं